जेसन? बता हुआ भाई? फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक उंगलियों के निशान इसी के, इसी के उंगलियों के निशान इसी के। शहर के मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉक्टर मोगे हाजिर हो। मोगे साहब, आप शहर के माने हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को छूं भी नहीं और मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए? हरगिज नहीं। लेकिन मिस्टर अमर का कहना है कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उनके नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज को हाथ लगाया ही नहीं। वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अमर दाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। इंसान नहीं हवाने, भेड़िया है भेड़िया। मिस्टर मजूमदार, आप अपना बयान कटहरे में आके दीजिए। उस रात जब मैंने पूना से फोन किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, यही था। सर, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने खून किया तो मैं फोन क्यों उठाता? Shut up! इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसके उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। खून इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में देने वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? सर, मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेगुनाह हूँ। तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अमर दाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार और खून के इल्जाम में सजाए मौत करार देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना, मैं बेकसूर। चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। अपना ख्याल रखो। लटका दिया ना? अब ये साहब नहीं है, अपने जैसा आरोपी है, अब उनके बरोबर का। जैसा अपन अपने माँ बाप के लिए तड़पा ना, वैसा ये भी साला अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। तभी जिसको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। ए, ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को किसी का भी दर्द नहीं होता है। इनको तो बस मेडल चाहिए, तरक्की चाहिए, कोई मरता है तो साला मरे। तुम समझते हो ये काम मैं सिर्फ एक मेडल पाने के लिए कर रहा हूँ? तुम जैसे लोग पुलिस वालों की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और जिन माँ बाप भाई बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे अपने। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी इन जैसे दरिंदों ने उजाड़ दी है और आज भी उजाड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं?
ये काम मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर रहा हूं, कोई मेडल पाने के लिए नहीं। और इस काम के लिए अगर मुझे तुम जैसे लोगों के 10 घर भी उजाड़ने पड़े तो मुझे मंजूर है। की मौत में आज तक नहीं भूल पाया। हरामजादे, उसकी मौत का बदला तो मैंने उसी दिन ले लिया होता तेरे पेट की सारी अंतड़ियां निकालकर। मगर क्या करता, खाकी वर्दी वालों ने मुझे जकड़ रखा था। लेकिन आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तू। ए बाबन चल, अब छोड़ उसको, तू चल। अपने अपने रास्ते ले लो,
हम सब बंबई में मिलेंगे। इससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। Yes, Salah.